देशो महादेव समिति स्कीम नंबर 36 के पदाधिकारियों ने सेवा संकल्प लेते हुए समिति की ओर से जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए आवश्यक सामग्री भेंट की। मरीजों के पलंग पर बिछाने के लिए 30 नग गद्दे और 11 नग चादर भेंट की। असहाय दिव्यांग मरीजों के लिए एक व्हील चेयर, दिव्यांग एवं बुजुर्ग मरीजों के सोच जाने के लिए एक कमोड चेयर इत्यादि मरीजों के काम में आने वाली सामग्री मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश मालवीय को भेंट की। इस अवसर पर निवृत्त विधायक दिलीप सिंह परियार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति स्कीम नंबर 36 है, सीताराम जाजू द्वारा मंदिर द्वारा एक सामाजिक और मानव सेवा का संकल्प लिया था, जिसका दूसरा चरण हमने आज शासकीय चिकित्सालय में 30 गादी नग, बिस्तर नग एवं 11 चद्दर, 20 यूरिन पार्ट्स, एक व्हील चेयर और एक कमोड चेयर प्रदान करी है। और जब तक जितना अधिक से अधिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति से सहयोग बनेगा जिला चिकित्सालय में, कोविड के अंदर यह सहयोग निरंतर जारी रहेगा। और इसमें आज हमारे बीच में भाई दिलीप जी परिहार साहब भी पधारे, भाई पवन जी पाटीदार साहब पधारे, भाई राजेश जी सेवा भारती से पधारे, और हमारे बीच में उपाध्यक्ष सुनील जी शर्मा, हमारे वरिष्ठ जन फूलराज सिंह जी, सोहनलाल जी पुरोहित, सुधीर सिंह जी, इनका भी अपूर्ण सहयोग रहा, संजय भाई, कमल जी सोनी, इन सभी का, हमारे सभी दानदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि आने वाले समय पर अधिक से अधिक जिला चिकित्सालय में हम सेवा के लायक जो भी कार्य होगा हम हमेशा उपस्थित। देखिए, सिद्धेश्वर महादेव समिति की ओर से पूर्व में भी व्हील चेयर और सामग्री दी गई थी, और अभी भी आपने मानव सेवा के लिए कोविड के इस आपदा काल में किस प्रकार से लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंच सके, किस प्रकार मरीजों को सुविधाएं पहुंच सके, इस दिशा में एक और अनुकरणीय कदम उठाया है, जिनके लिए मैं आपको सबको, सिद्धेश्वर समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने किया है और करने के लिए प्रेरणा भी दी है। आपसे प्रेरणा पाकर और दूसरी अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही है, उनसे प्रेरणा पाकर जो समाज जन, जो लोग मैदान में आ रहे हैं करने के लिए, उनके कारण से और सरकार के प्रयत्नों के कारण से, दोनों के समन्वय के कारण से आज नीमच इस कोरोना की लड़ाई को जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से अंतिम जीत हमारी होगी, अंतिम जीत नीमच की होगी, नीमच के वासियों की होगी, इस भारत के वासियों की होगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।